Friends, subscribe to my channel Aero Simplified and press the bell icon to get the latest update about my videos. तो गाइस ज़ेप्लिन क्या होता है और नॉर्मल एयरक्राफ्ट से डिफरेंट क्यों होता है और इसका इन्वेंशन कब हुआ था और इसका हिस्ट्री क्या है, आज मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं एरो सिंप्लीफाइड चैनल को। चलिए देखते हैं। ज़ेप्लिन एक रिजिड एयरशिप होता है। रिजिड का मतलब होता है नॉन फ्लेक्सिबल मटेरियल। इसका इन्वेंशन किया था फर्डिनेंड वैन ज़ेप्लिन ने 1874 जर्मनी में। कई सालों के मेहनत के बाद 1910 में इसका सक्सेसफुली उड़ान हुआ था। ज़ेप्लिन फैब्रिक कवर्ड रिजिड मटेरियल से बना हुआ होता है जिसमें ट्रांसवर्स रिंग्स एंड लॉन्गिट्यूडनल गिर्डर्स होता है जिसमें इंडिविजुअल गैस बैग भी रहता है। ज़ेप्लिन का मेन एडवांटेज ये है कि ये नॉन रिजिड एयरशिप से काफी बड़ा होता है और इसका फ्रेमवर्क ड्यूरालुमिन से बना हुआ होता है। ड्यूरालुमिन एक अल्यूमिनियम और कॉपर का मिक्सचर होता है। पहले जमाने में ज़ेप्लिन रबराइज्ड कॉटन को गैस बैग के लिए यूज करते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ साल के बाद कैटल के इस इंटेस्टाइन से बना हुआ मटेरियल को यूज करने लगे। पहले ज़ेप्लिन लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप में होते थे, फिर स्ट्रीमलाइन शेप में मॉडिफाई किया गया और इसके अंदर हम हॉट गैस को यूज करते हैं। यूजुअली इसके अंदर पिस्टन पावर्ड प्रोपेलर को हम प्रोपोर्शनल सिस्टम की तरह यूज लेते हैं और इसके अंदर एक टेल सेक्शन होता है जो रियर सेक्शन का स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। पहले ज़ेप्लिन LZ-2 1906 में इन्वेंशन हुआ था। इसके उड़ान के वक्त दोनों इंजन फेल होकर एयरशिप डैमेज हुआ था और इसका पार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए LZ-3 का इन्वेंशन हुआ और ये सक्सेसफुल ज़ेप्लिन बना। LZ-3 की सक्सेस को देखते हुए LZ-4 का इन्वेंशन हुआ, लेकिन लैंडिंग के वक्त क्रैश हुआ था, लेकिन ज्यादातर लोग इंजर्ड नहीं हुए थे। फिर पब्लिक इसके इसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे, लेकिन फिर इसके बाद पब्लिक का सपोर्ट लेते हुए एयरशिप कंस्ट्रक्शन ज़ेप्लिन लिमिटेड का फाउंडेशन शुरू हुआ। तो दोस्तों ये था ज़ेप्लिन के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एरो सिंप्लीफाइड एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट अबाउट माई वीडियोस। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।